मेरे भीड़ भाई को बैठे बैठे 500 रुपए का नुकसान हो गया। अरे भाई भाऊ को क्या खरीदी करेगा तो नुकसान होगा ही ना। खरीदी हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए। क्या सच में हमें इस चीज की जरूरत है? क्या इस चीज के बगैर हमारी जिंदगी अटक गई है? अगर जवाब हाँ है तो बेशक जरूर खरीदी करो, लेकिन अगर जवाब ना है तो बिल्कुल खरीदी मत करो। माफ कीजिए, आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। अरे भीड़े की जिंदगी रेडियो के बगैर अटक गई थी? नहीं। बस तो फिर क्या जरूरत थी फालतू में 500 रुपए का खर्चा करके भंगार वाले के पास से ऐसा पुराना रेडियो खरीदने की? आपकी बात तो सही है। अरे मेरी बात हमेशा सही ही होती है कि ना फेंके, मेरी बात सुनते ही नहीं, उल्टा दुनिया के सामने मुझे सुनाते हैं। अरे हमने कब क्या सुना है आपको? देखो तो बोली। थैंक यू। ए थैंक यू वाली, सुबह की बात इतनी जल्दी भूल गई क्या? ए नाटक बंद कर। भीड़े भाई माधवी भाभी के हर काम में कितना हाथ बटाते हैं, नहीं बोली थी ऐसा तू? हाँ बोली थी ना, जो सच है सो है। ये सच है सो है वाली, वो काम में हाथ बटाने के चक्कर में तेरा भीड़े भाई 500 रुपए का नुकसान करा के आया। मैं भी करूँ तेरा ऐसा नुकसान? बोल करूँ करूँ? हाँ कीजिए ना, मुझे क्या है, पैसे आपके है। चुपचाप लाइट बंद कर। मुझे करनी पड़ी। बाबा बाबा आपको सोना नहीं है? सोनू तू सो, मैं इस रेडियो को चालू करके ही सोऊंगा। लेकिन सोने से पहले रेडियो बंद कर देना। बिल्कुल माँ पे गई है। काय चल रहा है? अरे माँ गई है। काही नहीं, काय काय चल रहा है तुमसे? कब से रेडियो रिपेयर कर रहे हैं आप? आपको सच में आता है रेडियो रिपेयर करना? माधवी जब मैं छोटा था ना, जब मैं छोटा था, काढ़ा ना तोंडा तून। मैं ये बोल रहा हूँ, जब मैं छोटा था ना तब मैंने आजूबाजू को बहुत बार रेडियो रिपेयर करते हुए देखा था, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे। वैसे भी अब क्या फायदा रेडियो रिपेयर करके, सोसाइटी वालों के सामने चलना था तब तो चला नहीं। हाँ माधवी, लेकिन अभी ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, ये ठीक हो जाएगा। वो जो भी हो, कल सुबह बंगार वाले के यहाँ जाकर ये रेडियो वापस करके आना प्लीज। हाँ बाबा। क्या क्यों क्यों, मैं क्यों वापस करूँ? मैंने वहाँ पे चला के देखा था रेडियो, और तुमने भी तो सुना था ना, हमने डांस भी किया था, तो वापस क्यों करूँ? मैं वापस नहीं करूंगा, ये रेडियो यही पे रहेगा। क्या जादू की है इस रेडियो ने आप पर ना देव जाने। कठिन है भाई। तू जाऊ सो भी।
देखो ना ये आवाज कैसे आ रही है। आवाज कैसे देखो माधवी। ओह देखो मतलब देखो नहीं हो सुनो उठा ना। सुनी सुनी कहीं आपने रेडियो तो चालू नहीं रखा। नक्की आपने रेडियो ही चालू रखा है। जाइए रेडियो बंद करके आइए। रेडियो भी कमाल है, जब सुनने वाले थे तो बजा नहीं, अब कोई सुन नहीं रहा तो अपने आप बज रहा है। अभी किसको सुना रहे हो? आप किसको सुना रहे हो? जाइए ना। हाँ हाँ जाता हूँ जाता हूँ। रेडियो तो बंद है, फिर आवाज कहाँ से आ रही थी? कमाल है। कमाल है, स्विच भी बंद है। स्विच बंद है तो चालू कैसे हो गया? प्लग ही निकाल लेता हूँ। कसे शक्य है? ये प्लग तो निकाल दिया है मैंने। कमल है प्लग निकालने के बाद भी रेडियो चालू कैसे? माधवी सोनू लोको भैरिया धड़पट ले लोको भैरिया काय हो काय झालं? अरे देखो ना ये मैंने स्विच ऑफ किया है, इसका प्लग भी निकाल चुका हूँ मैं, फिर भी रेडियो चालू है। ओगो भाई हा काय चमत्कार है। लेकिन बाबा आपने प्लग निकाल दिया है तो रेडियो कैसे चल सकता है? माला काय माहिती सोनू, ये बना ये प्लग निकाल के रखा है मैंने, फिर भी चालू कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अहो आप रेडियो रिपेयर कर रहे थे तब तो कुछ गड़बड़ नहीं की थी आपने? हाँ? नहीं 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 माधवी, मैंने मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ देखा था। माधवी मैंने प्लग निकाल के रखा है, एंटीना भी बंद है, तो ये कौन सा स्टेशन लग रहा है रेडियो पे? कठिन है, काही तरी भयंकर है, भयंकर। मैं सोडी को फोन करूं? नहीं तो मंटे जेठा भाई को फोन करो, उनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है ना, तो रेडियो के बारे में जानकारी होगी ना उनको। हाँ बराबर है, बराबर। जेठा भाई को फोन करो। लो जेठा लाल भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ भिड़े बोल, क्या हुआ? मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि मेरा रेडियो चालू हो गया है। क्या क्या हुआ, किसका फोन है? भिड़े का फोन है, बोल रहा रेडियो चालू हो गया है। अच्छा अरे वाह चलिए। कहाँ जा रही है? रेडियो सुनने। पागल हो गई है तू? अरे भिड़े भाई इतने होश से हमें रेडियो सुनने बुला रहे हैं, तो 5 मिनट जाके आ जाएंगे। सो जा चुपचाप। और भाई तू भी क्या पागल हो गया है, आधी रात को रेडियो सुनने के लिए बुला रहा है। सोजा तू भी सोजा भाई, सो और सुनने दो, कल सुबह सुनेंगे तेरा रेडियो। हाँ चल जेठालाल, मैं तुम्हें यहाँ पे रेडियो सुनने के लिए नहीं बुला रहा हूँ,
तो जेठालाल रेडियो में जबरदस्त गड़बड़ हो गई है। अजीबोगरीब आवाज आ रही है। वही वही अजीबोगरीब आवाज भी आ रही है। क्या तुम जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तू चिंता मत कर, हम लोग अभी आते हैं। हाँ लो कर लो कर। क्या हुआ? तू चल रास्ते में बताता हूँ। समय पैक करो। कितना दूर जाना है? अरे भेड़े का घर जाना है। सॉरी। कहाँ चले जाता है ना? आ रहा है। काय करे जाओ। फिर रो मत बेटा, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जब मैंने कहा कि रेडियो सुनने जाते हैं तो मुझे मना कर दिया और अभी कैसे तैयार हो गए? अरे भाई रेडियो सुनने नहीं जा रहे हैं। तो और भिड़े का रेडियो जादू ही हो गया है, और प्लग निकल दे फिर भी अपने आप चल रहा है। तो खड़े क्यों हो? चलिए जल्दी। माधवी मैं एक काम करूं, मैं बाहर जाके एक बार देख के आऊं। नोको 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 नोको, जेठा भाई आएंगे उसके बाद। ठीक है ठीक है ओके। बेल वाज लिए, बेल घाबरोते कशाला। जेठाला हां तेज चलो। हां जेठाला है, आ जाओ आ जाओ, डरो मत डरो मत। समझ गई क्या? ठीक नहीं है। समझ गया। देखो जेठालाल देखो। क्या देखो? तू तो कह रहा था रेडियो अपने आप चालू हो गया है, ये तो बंद है। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ जेठालाल, ये अपने आप चालू बंद हो रहा है। देखो घर की लाइट भी चली गई है, मैंने स्विच ऑफ कर दिया। ओ, ये देखो ये जो है ना, ये प्लग भी निकाल के रखा है। जेठालाल काय झालं? अरे मला काय माहिती, कोई तो ओरडला। बेबी आप चिल्लाई ना? वो तो भीड़े में डर के बोले तो मैं सिर्फ उनका साथ दे रही थी। दया भाभी ये रेडियो के पास गए ना, इसलिए मैं डर गई थी। आपको क्या जरूरत थी रेडियो के पास जाने की? सॉरी वो तो मैं सिर्फ दिखाने गया था। जेठालाल अभी देखना ये रेडियो अपने आप चालू हो जाएगा, देखना देखना। क्या हुआ दया भाभी? आप जैसे ही सब लोग यहाँ से गए ना, मैंने ऐसे भयानक भयानक आवाजें आ रही थी। ओहो ये बात है, ये कुछ नहीं है भाई, इधर 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 मैं समझाता हूँ। आओ, कुछ नहीं है माधवी भाभी, वो क्या हुआ होगा, तुमने वो रेडियो खोल के रिपेयरिंग करने का डापण किया ना, तो दो गलत वायर आपस में झगड़ पड़े होंगे, तो उसकी वजह से ये रेडियो चालू बंद हो रहा होगा। चलो माना उसकी वजह से रेडियो चालू बंद हो रहा है भीड़े भाई, लेकिन घर की लाइट चालू बंद हो रही है उसका क्या? भीड़े भाई अब तो घर की लाइट ही बंद हो गई है। भीड़े भाई मेरी बात संभल सो। प्लीज। ओह सॉरी, संभलता है भीड़े भाई। आप मुझे ये बताइए
जब आप ये रेडियो ठीक कर रहे थे तब उसका प्लग पॉकेट में लगा हुआ था। समझ गए। कहाँ जा रही है? मैं यही हूँ। क्या समझे बता? हाँ हाँ सुनिए, जब रेडियो के वायर में गड़बड़ चालू हुई तो वो गड़बड़ प्लग के जरिए घर के पूरे वायर में फैल गई और इसीलिए घर के लाइट की छटक गई। सॉरी। क्या? सॉरी। भिड़ा तू बिल्कुल फिकर मत कर, हा? मैं क्या कल भागा को भेजता हूँ, वो तेरा रेडियो रिपेयर कर देगा और घर का पूरा वायरिंग भी चेक कर देगा। बिल्कुल फिकर मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कर। ओ हो हो। जिटल को फोन करो। क्या? थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू दया भाभी। भिड़े बहन अब आप शांत चित से सो जाइए। हाँ आओ, ये रेडियो बाहर रख दीजिए, मुझे घर में नहीं चाहिए, मुझे नींद नहीं आएगी। माधवी क्या बोल रही हो अभी, इतनी रात गए, रेडियो को मैं बाहर कैसे रख सकता हूँ? अरे चिंता क्यों कर रहे भिड़े, वैसे भी वो चल नहीं सकता, तो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। सॉरी। क्या? सॉरी। माधवी भाभी आपको ये रेडियो का टेंशन है ना, आप वो टेंशन छोड़ दो, ये रेडियो मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ, ठीक है? हाँ, बराबर बराबर। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, चल। अरे दया भाभी, ये ट्रॉली रेडियो के साथ नहीं है, ये रेडियो मैं ऐसे ही लेके आया था। सॉरी, खाली ये रेडियो लेके जाने का है। सॉरी। एक मिनट संभाल के। संभाल के। चल उठा, बराबर। हाँ बराबर। आराम से। एक क्या हो गया? ये वायर। अच्छा ओ, सॉरी अभी कहाँ? जरा संभल के आओ, यहाँ वणाक है। अच्छा अभी करवाया? वणाक है, मुझे तो मालूम ही है ना वणाक है। अरे कहाँ जा रही है? बेडरूम में। अरे भाई यहाँ टिपोई पर रखना, सुबह भागा यहीं से ले जाएगा। आजा। सॉरी। एक मिनट मुझे आगे जाने दे। रख दे, चल आजा। ओ नजारा क्या देख रही है, चल भाई सो जा अभी। नींद आ रही है? नींद आ रही है। चलो। कहाँ जा रही है? लाइट बंद करने जा रही हूँ। जल्दी करना भाई। चल। और आप? अरे आ रहा हूँ भाई, चलने। सॉरी। बच्चे आंख मिचौनी का खेल खेलते थे, लेकिन इस वक्त एक एंटीक रेडियो आंख मिचौनी का खेल खेल रहा है गोकुलधाम निवासियों के साथ। क्या जादू है इस रेडियो में कि ये बगैर इलेक्ट्रिक पावर के, बगैर बिजली के चल रहा है। कहीं ये रेडियो
कोको का खेल तो नहीं खेल रहा? कहीं ऐसा ना हो कि भिड़े और जेठालाल के बाद गोकुलधाम के हर निवासी को परेशान करे ये रेडियो। क्या राज है इस रेडियो का? कौन सा स्टेशन लगने वाला है इस रेडियो में? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब दिवाली के पटाखों की तरह आपको मिलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, तब तक ये सोचिए कि दिवाली पे क्या धमाका करेगा ये रेडियो। हंसते रहिए मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.